फाइनली ये डैड का अलोन टाइम है। जब कोई नहीं देख रहा तो वो अपने चिप्स के मजे ले सकते हैं। पर ये क्या, एली है। उसने बैग के खुलने की आवाज सुनी। नो, नहीं फिर से नहीं। ओह डियर, एली हमेशा उनके चिप्स चुराती है। डैड के लिए स्नैक्स के मजे लेना इम्पॉसिबल है। क्या कोई और रास्ता है? शायद है। डैड ने कुछ तो सोचा है। डैड दरवाजे के ऊपर कुछ हुक्स लगा रहे हैं। एक रस्सी, ये कैसे यूज होगा? वो इसे न्यू चिप्स के पैक में चिपका रहे हैं और फिर इसे खोल रहे हैं। इंटरेस्टिंग, काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। ओह, अब उन्होंने जब दरवाजा खोला तो एली उस बैग को देख नहीं पाई। और जब वो दरवाजा बंद करते हैं, पैकेट सीधे डैडी के हाथ में। ये उन पेरेंट्स के लिए अमेजिंग हैक है, जो अपने स्नैक्स सिर्फ अपने लिए यूज करना चाहते। डैड तो इन चीजों के मास्टर हैं। डैड अपने बॉस के साथ एक इम्पोर्टेंट वीडियो कॉल कर रहे हैं। बच्चे के पास कई चीजें करने को। ओह, मैं अपने पेपर्स भूल गया। अब अच्छे लग रहे हैं डैड। वर्क फ्रॉम होम के फायदे। पेंटिंग को लेकर एली काफी एक्साइटेड लग रही है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। वो 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 वो, बच के, तुमने मेरी शर्ट खराब कर दी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ जूस पी लो। मीटिंग शुरू हो रही है। गुड मॉर्निंग सर। ऐसा लगता है कि एली आज बहुत आर्टिस्टिक लग रही है। ओह, उसने डैड के पेपर्स पर जूस भरा दिया। क्या सर? आई एम सॉरी, मैं अभी वापस आता हूँ। डैड बहुत गुस्से में लग रहे हैं। एली, मैंने तुमसे कहा था मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ओह रुको, प्लास्टिक रैप। डैड को एक आइडिया आया है कि ये दोबारा ना हो। वो जूस ग्लास को ढकने के लिए प्लास्टिक रैप यूज कर रहे हैं। फिर सब कुछ सील करने के लिए कुछ टेप। छोटा सा स्ट्रॉ और वॉइला। अब सब कुछ ठीक होना चाहिए। अरे नहीं, फिर नहीं। पर रुको, ये नहीं गिरा। अरे डैड, आप तो बहुत स्मार्ट हैं। लेकिन आप भूल नहीं गए कि आपके बॉस के साथ आपकी वीडियो कॉल थी और वो आपका इंतजार कर रहे हैं। सॉरी सर, हम किस बारे में बात कर रहे थे? एक लंबे दिन के बाद अब राइट टाइम है सोने का। सब लोग बहुत थक गए हैं। बहुत ही क्रिएटिव हैक्स वाला दिन रहा होगा। बहुत नींद आ रही है, मुझे रेस्ट करना है। पहुंच नहीं पा रहा। ओह नो, ये कहाँ गया? टूथब्रश। ये बहुत गंदा है। ये गंदा है। ये वापस कूड़े में जाएगा। पर एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। आपको बस एक बॉटल लिड चाहिए, एक टूथब्रश और एक ब्लेड। टूथब्रश को लिड पर लगाओ और मेजर करो, और ब्लेड उठाओ, संभल कर इसको कट करना जहाँ पे मार्क बनाया। जितने मन उतने बना सकते हो। अब इसको मिरर पे अटैच करो। ये हो गया आपका अपने टूथब्रश होल्डर। कूल है ना? देखते हैं एडन क्या करता है। देखा, अब मेरा टूथब्रश हमेशा साफ रहेगा। मैंने कर दिखाया। लग रहा है शॉर्लेट फाइनली रेडी हो रही है खुद से तैयार होने के लिए। देखते हैं वो कैसे करती है। इतने अच्छे कपड़े, क्या चूज करें? ओह, तुम्हें सब कुछ नहीं पहनना होता। ओह नो, तुम ऐसे कैसे रेडी हो गए? तुम्हें थोड़ी हेल्प चाहिए होगी स्वीटी। नहीं माँ, मैं रेडी हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ। रुको रुको, ऐसे नहीं जा सकती, बहुत गंदा लग रहा है। ओके, कुछ सोचना होगा। एक मिनट, अगर मैं तुम्हें ये दूं तो? ना, रुको, मुझे पता है। वाओ, मॉम ने सारे कपड़े इस तरह ऑर्गेनाइज कर लिए। अब शार्लोट को कभी दिक्कत नहीं होगी। ये लोग प्रिपेयर्ड हैं मंडे से संडे तक। जीनियस। आज मैं इस तरह ड्रेसअप होंगी।
देखो मॉम, कैसी लग रही है? अच्छा लग रहा है ना? ऑफ कोर्स बेटा, अब आप स्कूल जाने के लिए रेडी हो। मॉम और बेटी बहुत फैंसी डिनर कर रहे हैं, पर बेटी तो स्क्रीन पे फोकस्ड है। फोन नीचे रखो। नहीं पसंद है मुझे। क्या? और ये बटलर आ गया। याक, हटाओ इसे यहाँ से। ओह नो, क्या करूँ मैं? ये भी हम कुछ ट्राई कर सकते हैं। ए, फ्रूट देखो, कितना यमी है ना? यही, कितना बेकार है। ओके, मैं एक और ट्राई करता हूँ। और केक? ओह, टेस्टी लग रहा है। नहीं 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 नहीं, केक नहीं, इसके लिए कुछ हेल्दी लाओ। मुझे पता है क्या करना है। बटलर मॉम को एक ब्रिलियंट आइडिया बता रहा है। देखते हैं। बटलर ने वाईफाई पासवर्ड लिखा है। वो उसको बोल पर लिख रहे हैं। और अब इन्होंने बोल को ओटमील से भर दिया। लग रहा है बेटी का इंटरनेट कनेक्शन चला गया। मॉम, आपने पासवर्ड चेंज कर दिया? देखो इधर, नीचे यहाँ पर वाईफाई पासवर्ड है। जब तुम्हारे खत्म हो जाएगा तुम पासवर्ड देख सकती हो। सब कुछ खाओ और तुम आराम से इंटरनेट यूज कर सकती हो। लग रहा है बेटी के पास कोई चॉइस ही नहीं है। देखो तो, और यहाँ आया पासवर्ड। क्या ब्रिलियंट हैक था। लग रहा है बेटी थोड़ी नॉटी है और वो फैन फ्रेंच फ्राइज खाना चाहती है। ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए बनाई हूँ। ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं चाहिए। मैं ये खाऊंगी। क्यों क्यों खा रही हो? नहीं, ये मुझे दो। मेरा खाना तुमसे ज्यादा हेल्दी है। कम ऑन, खा लो। ओके, बेटी ट्राई करने वाली है पर कितनी गंदी स्मेल है। मैं भाग गई। क्यों, मैं क्या करूं? एक क्लॉक हैंड फ्रेंच फ्राइज। मुझे पता है। वाओ, ये तो देखो, उन्होंने फूड व्हील बनाई। देखते हैं। मानी, इधर आओ। क्या? इधर आओ बेटा, डरो मत। काफी फन लग रहा है, देखा? वाओ, अमेजिंग। ट्राई करो। श्योर। बस एरो को स्पिन करो और देखते तुम्हें क्या मिलेगा। चिप्स। ये देखो ना कितना सही है। एक और ट्राई। ग्रीन पीस। इतने बुरे भी नहीं है। हाँ, मॉम ने कर दिखाया। फिर से गंदगी हर जगह। इन्हें पकड़ो और साफ करने में मदद करो। ये बच्चे, ये चिपचिपी चीज क्या है? इव, पुराना गंदा लॉलीपॉप। पकड़ो इसे एली। अरे नहीं मॉम, आपने एक बच्चे को लॉलीपॉप दिया। रुको, मैंने अभी अभी क्या किया? बस एकदम बची। बेबी तुम ये नहीं खा सकती, बीमार हो जाओगी, गंदा है। अब एली उदास है, लेकिन मॉम ने एक टॉय केस देखा और उन्हें एक परफेक्ट आइडिया आया है। बेबी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक लॉलीपॉप है। और ये सब कुछ नहीं, देखो मैं केस बनाऊंगी इसके लिए कि अगर ये नीचे गिरे तो ये गंदा ना हो। एक लॉलीपॉप, ये मेरा फेवरेट फ्लेवर। उप्स, सॉरी, मैं नहीं करना चाहती थी। कोई दिक्कत नहीं बेटा, उठा लो। देखा, परफेक्टली साफ है। वाह मॉम, बहुत बढ़िया। मुझे पता है। ये क्या है? मॉम ने किसी तरह पैडल में कदम रखा। पर रुको, पैडल्स की लाइन है, क्या चल रहा है? ओह, ये एली आइसक्रीम खा रही है जो पिघल गई और हर जगह टपक रही है। हे, तुम क्या देख नहीं सकते हमारी बच्ची गंदगी फैला रही है? ओह, आई एम सो सॉरी, मैं गौचा के वीडियोस देख रहा था। साफ कर देता हूँ, नाराज मत होना। मैं इसे ले लूंगी। लगता है मॉम के पास आइसक्रीम की हर बूंद साफ करने का एक आइडिया है। उन्होंने कप के ढक्कन से एंटी ड्रिपिंग शील्ड बनाया।
बेब तुम सबसे स्मार्ट हो। मॉम देखो मैंने ये बनाया। मॉम मॉम ये देखो मैंने ये कितना ब्यूटीफुल आर्टवर्क बनाया। वाओ स्वीटी बहुत सुंदर है, इधर आओ। पर मैंने कितनी मेहनत की थी, ये गलत बात है। क्या बकवास पेंटिंग है, मैं कभी नहीं करूंगा। मुझे देखने दो बेटा। ओके सब लोग, अब वक्त है डिलिशियस केक खाने का। किसको चाहिए? एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। रुको मैं ये लेती हूँ, अगर बुरा ना लगे तो। मॉम को देखो, लग रहा है उनके पास एक प्लान है। अरे काफी अजीब लग रहा है, क्या ये पेंट फोक पे लगा रही? क्या? ओह, फोक को पेपर पे रख के फ्लावर बन रहा। वाओ, ये कितना अच्छा है मॉम, वाओ। देखो कितना इजी है, ये लो खुद से ट्राई करो। ओके मैं करता हूँ कोशिश। रेडी? ओह लुकस बहुत अच्छा है ये, और बहुत ही अमेजिंग। देखो मॉम मैंने बना लिया। वाओ कितना सुंदर है बेटा, बहुत अच्छा बनाया तुमने। फाइनली ब्रेकफास्ट टाइम है, मैं थोड़ा इसमें रखती हूँ और थोड़ा और। बहुत टेस्टी होगा। ओ नहीं, बस मॉम ये सब देखे ना, वो तो ये सब देख के पागल हो जाएंगी। ओ माय गॉड ये क्या है, क्या ये? ओ एक मिनट, तुम क्या कर रही हो? नहीं 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 नहीं, नहीं। इधर इधर आओ मेरे पास, इधर आओ प्रिंसेस। मैं तुम्हारा हाथ धुलवाती हूँ। मुझे एक फीलिंग है कि मॉम के पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। ओह मुझे पता है, अपना फेवरेट चॉकलेट स्प्रेड ले, उसको खोले और थोड़ा सा होल बनाए लिड में। अब सोप डिस्पेंसर उठाओ, इसको अच्छे से क्लीन कर लेना। अब हॉट ग्लू लेके इसके चारों तरफ लगाओ। अब डिस्पेंसर को लिड पर लगाओ और वापस जार में लगा दो। अब आपके पास अपना खुद का तरीका है अपने हाथ गंदे ना होने देखने का, ट्राई करें। मैं अपना हाथ धो चुकी हूँ। नहीं ये वाला टोस्ट में जाएगा, ये लो। ऑफ कोर्स टोस्ट पर, अब तुम्हें अपना हाथ धोना ही नहीं पड़ेगा, है ना? ये कितना अच्छा है, अब कभी भी किचन में मैस नहीं होगा। लाइक मदर लाइक डॉटर, दोनों को फोन पे बिजी रहना पसंद है। वाओ ये देखो, ओह नहीं बेटी तो स्नीज कर दिया, यक। लग रहा है लड़की थोड़ी बीमार है, मॉम किसे कॉल कर रही है। हाय जल्दी आओ। हाँ मैं आ गया, प्रॉब्लम क्या है? बस इसे फिक्स करो, कॉफ सिरप ठीक हो जाएगा। Ew! नहीं नहीं पी रही, थोड़ा सा बस। ओह लड़की को तो मेडिसिन का टेस्ट ही नहीं पसंद है, डॉक्टर क्या करेंगे? कैसा डॉक्टर हो तुम? ओके अब देखो। ओह कुछ तो मैं सोच ही लूंगा। बच्चों को मीठा तो बहुत पसंद है, मुझे पता है, चलो बनाते हैं। ओह वाओ क्या डॉक्टर एक स्पेसिफिक मेडिसिन बनाने वाले हैं? ए नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये भी नहीं, ये सही रहेगा, थोड़ा सा ये भी। क्या कर रहे हैं ये? बस थोड़ा सा ये, हो गया। ये काम करेगा, मेरा फेवरेट मेडिसिन बच्चों के लिए। लो चलो ये लो ट्राई करो। थैंक यू। ओके देखती हूँ। यम्मी कितना टेस्टी है, वाओ थैंक यू। ओके मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, तुमने मुझे बचा लिया, थैंक यू, बाय बाय। ओ नहीं
छोटी बच्ची बीमार लग रही है, उसकी नाक तो लाल है। मॉम तो ब्लैंकेट भी ले आई। हे, क्या खा रही हो? लॉलीपॉप? मुझे दो, तुम्हें मेडिसिन लेनी है। ये लो। कितनी गंदी स्मेल है। ओह, इतनी बुरी भी नहीं है, ट्राई करती हूँ। ओह सच में बहुत ही ज्यादा। ओके, एक लॉलीपॉप और मेडिसिन, मुझे पता है माँ का सलूशन मिल गया। वो लॉलीपॉप को मेडिसिन में डिप करेंगी और अब बेटी को देंगी। हे बेटा, ये लो लॉलीपॉप। ओ, इतने यम्मी है। यो, इसको पसंद आ गया। थैंक गॉड। लूकस शांति से सो रहा है। संभल कर। मॉम, मॉम। लूकस के बेडरूम में राक्षस है। मॉम, मुझे डर लग रहा है, यहाँ राक्षस है। कहाँ? मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मैं अब सो नहीं सकता। शांत हो जाओ, मैं फिर से चेक करती हूँ। मॉम कांप उठी क्योंकि उसने सोचा कि वो सच में एक राक्षस है, लेकिन ये सिर्फ एक स्प्रे बॉटल है और ऐसा लगता है मॉम के पास इसके लिए कुछ आइडिया है। आपके बच्चे को राक्षसों के डर से छुटकारा दिलाने में मदद करने का एक तरीका है। बस खाली स्प्रे बॉटल ले लो, कुछ फंकी आईज, जितना आप चाहें। थोड़ा सा सादा पानी ले, ये कमाल होगा। और फिर इस स्प्रे को बोलो द मॉन्स्टर स्प्रे। परफेक्ट मॉम, ये लो, उन राक्षसों से छुटकारा पाने के लिए ये एक स्पेशल स्प्रे है। स्प्रे! लूकस एक असली योद्धा की तरह दुश्मनों को भगा रहा है। That's my boy. मैं यहाँ रख देती हूँ, अगर तुम्हें जरूरत हो अब तुम चैन से सो सकते हो। गुड नाइट। ओह, देखो बच्चे अपनी मॉम के पास गहरी नींद में सो रहा है, कितना प्यारा है। लेकिन वो पहले ही थक गई है बच्चे को सुलाकर। मॉम कहाँ जा रही हो? प्लीज रुको, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। ओह माय, मॉम बहुत थक गई है और दोनों कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं। यहाँ आओ, हमारे बेटे के साथ सोने की बारी आपकी है। अब बस यहीं रहो, मैं आराम करना चाहती हूँ। हाँ, अब डैड बच्चे के साथ बिस्तर पर लेटे हुए हैं। संभल कर डैड। अरे नहीं, वो जग गया। मॉम, ठीक है, मैं यहाँ हूँ, हमें मॉम की जरूरत नहीं। देखिए, डैड ने उनके परिवार की तस्वीर दिखाई और उन्हें एक आइडिया आया। ओह देखो, बच्चा चैन से सो रहा है। डैड ने अपने चेहरे पर मॉम का मास्क लगाया ताकि बच्चा उसका चेहरा देख सके। अच्छा क्या डैड, आप सबसे अच्छे हैं। वक्त है टेस्टी स्नैक का। डैड, कितनी गंदगी है, अगर मॉम ने देखा तो? जाने दो। ओके, क्या फर्क पड़ता है, कौन सी बड़ी बात है। देखो अब मैं मॉम बनता हूँ, अब कोई क्या कहने वाला है, कोई नहीं। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये थोड़ा सा मॉम की तरह लग रहे हैं ना। देखो, ओह माय गॉड, तुमने क्या किया, ये बहुत बुरा है। ब्ला, ब्ला, ब्ला। क्या, कहाँ? हाय स्वीटी, मैं तो बस, मैं हम लोग, सॉरी। ओह नहीं, मैंने सब क्लीन किया था और अब ये गंदा हो गया। एक सेकंड, मेरे पास एक आइडिया है, देखते हैं मॉम क्या करती हैं। अपने कॉर्न उठाओ और इसको यहाँ से कट करो। अब इस पीस को स्ट्रिप्स में कट करो, थोड़े लंबे लंबे स्टिक्स ढूंढो और स्ट्रिप्स को स्टिक में रखो। संभाल कर, और हो गया। अब आपका बेटर वर्जन है स्नैक का और गंदगी भी नहीं होगी। देखो मैं क्या लाई हूँ, आप ट्राई करो। वाओ, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तक का बेस्ट कॉर्न। टेस्टी, ये बहुत अच्छा है। मुझे पता है, मैं जीनियस हूँ।
छोटा लोकस अब छोटा नहीं रहा, वो काउंटिंग सीख रहा है। तुम कर सकते हो बेबी। ओके, इजी है। 5। हाँ ये सही है, मैंने कर दिखाया। ओह, ये बहुत मुश्किल होने वाला है। कम ऑन, इजी है, मैं हेल्प करती हूँ। तुम 4 भूल गए। हे, नहीं नहीं, तुम्हें से खुद काउंट करने देना है, उसे सीखना है ना। पर अगर मैं उसके मैथ को कुछ इंटरेस्टिंग बना दूं तो? इस प्रोजेक्ट के लिए आपको 10 आइसक्रीम स्टिक्स चाहिए। इन्हें आराम से इस तरह लेटा दीजिए और यहाँ पर नंबर्स ऐड करिए 1 से 10 तक। बहुत इजी है पर क्रिएटिव है। अब स्टिक्स में कुछ बनाते हैं, जैसे कि छोटी पिक्चर। अब इन स्टिक्स को मिक्सअप करिए और बच्चे को पिक्चर साथ में लगाने दीजिए। इस तरह से काउंट करना बहुत इजी होगा। तुमने कर दिखाया, देखो मैथ्स इजी है, बस आपको क्रिएटिव तरह से करना होता है। रिच मॉम पोज कर रही है, वो काफी एक्साइटेड लग रही है। लग रहा है मॉडल बहुत बड़ी है और उनकी बेटी एक आर्टिस्ट। गर्ल ने कर दिखाया। क्या ये मैं हूँ? मैं एक पेंटर बहुत अच्छी वाली बनूंगी। ओ, मैं इसे ठीक करती हूँ। हाँ जल्दी आओ। देखते रिश्मा ने किसे कॉल किया, पर पेंटिंग काफी अच्छी लग रही है। ओ, ये प्रोफेशनल पेंटर, वो बेटी की मदद कर रही है। रिच गर्ल उसे देख रही है और कुछ कुछ सीख भी रही है। ओह माय गॉड, कितना अच्छा लग रहा है, जैसा मैंने इमेजिन किया था। तुम कितनी प्यारी आर्टिस्ट हो बेटा, मैं इसे यहाँ रखती हूँ। क्या बात है, वक्त है कुछ पेंटिंग का। ब्रो, मॉम ने अपनी बेटी को टूल्स दिए हैं। मैं कुछ बहुत अच्छे पेंट करूंगी, चलो करो। मॉमी आयरन करने वाली हैं। मॉमी आयरन कर रही है और उनकी छोटी बेटी पेंटिंग कर रही है। कितना सुंदर दिन है। बेटी को पेंटिंग बहुत पसंद है, पर नहीं, ये कुछ लग तो नहीं रहा सही। कबाड़ा हो गया है ना। ओ, मैं थक गई। ओ नो, क्या किया? रुको, बस अब और पेंटिंग नहीं, बहुत हुआ। क्या कुछ गड़बड़ हुआ? ओ हाँ, देखो तो गंदगी, तुमने टेबल पर बात कर दी। एक मिनट, तो मेरी बेबी को बहुत सारे अवार्ड मिले इस चीज के लिए। हाँ, शायद मैं उसे बहुत अच्छी आर्टिस्ट बना दूं। क्या कर सकते हैं? पिज़्ज़ा बॉक्स, ये परफेक्ट होगा। ब्रोक मॉम ने इसको यूज किया। ये कितना इजी लग रहा है ना। वाओ, अब बेटी आराम से पेंट कर सकती है और टेबल भी नहीं खराब होगी। थैंक यू मॉम। बहुत अच्छे बेटा, पेंट करते रहो। तो तुम आयरन कर लेती हूँ। स्मेल कैसी है? ओह नो, मैंने बहुत सारा टाइम लगा दिया सपना देखने में। मॉम होना बहुत ही मुश्किल है। मॉम सफाई कर रही है जब बच्चे स्कूल में हैं। उन्हें किसी भी मिनट वापस आना चाहिए। मम्मी, मेरा एक्सीडेंट हो गया, दर्द हो रहा है। ओह माय, तुम कहाँ थी, हुआ क्या? देखो मुझे स्प्लिंटर है। ओह डियर, हमें इसे बाहर निकालना होगा। बैठ जाओ, डरो मत। चलो देखिए हमारे पास क्या है। ट्वीजर्स, ये काम करना चाहिए। आउच आउच, दर्द हो रहा है। मॉम नहीं, एकदम स्थिर रहो। ठीक है ठीक है, चलो दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। क्या, मैं नहीं देख सकती, इससे स्प्लिंटर को बाहर कैसे निकालेंगे? ओह वाओ, बस अब हो गया। क्या, मुझे कुछ महसूस भी नहीं हुआ। थैंक यू मम्मी। ओह सो स्वीट एली। हो सकता है अब हम आपके नहाने की बात करें। यू, घर पर एक कैजुअल शाम, पर रुको, एली रेत खा रही है। नहीं 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 एली, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है रेत खाने लायक नहीं होता। डैड सिचुएशन के बारे में ज्यादा चल लग रहे हैं,
प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उनके पास कई सारे हैक्स हैं, और ये उनमें से एक है। वो एक ब्लेंडर में कुकीज डाल रहे हैं। और रेत की तरह दिखने वाले टुकड़े बना रहे हैं। और अब ये खाने लायक है। स्मार्ट। ये लो स्वीटहार्ट, तुम इसे खा सकती हो। व्हाट? क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने उसे रेत खाने दिया? शांत हो जाओ डार्लिंग, ये कुकी क्रम्बल्स हैं। वाओ, माय स्मार्ट मैन। माम, माम, क्या हम बाहर जाके खेल सकते हैं? प्लीज मामी, प्लीज। ऑफ कोर्स, पर संभल कर, हाँ, चोट नहीं लगनी चाहिए, ठीक है? ओके, प्रॉमिस। ओके, जाओ खेलो। बाय। बड़े हो गए बच्चे, खुद का हैंडल कर लेंगे। यिक्स, लग रहा है बच्चे कुछ ज्यादा ही खेल लिए। शायद ठीक तो हो। ओह नो, बच्चों, रुको, मैं तुम्हारा ध्यान रखती हूँ। ऑफ कोर्स, फर्स्ट एड किट सब कुछ ठीक कर सकती है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बैंडेज नहीं, दर्द होगा, नहीं चाहिए। लग रहा है इतना आसान नहीं होने वाला है। नहीं नो, छुपो छुपो। प्लीज नहीं, बैंडेज बहुत स्कैरी है। ओके, ये स्कैरी है? अगर मैंने क्यूट बना दूं तो? सोचती हूँ। थोड़े बैंडेज उठाओ, डेस्क पर रखो, फेवरेट पेंस उठाओ और क्रिएटिव हो जाओ। क्यूट क्यूट से हाथ बनाओ अपने बैंडेज पर, अलग अलग कलर्स बनाओ इसे और भी लाइवली बनाने के लिए, और इमेजिनेशन भी यूज कर सकते हो, जितने मर्जी उतने पैटर्न्स और शेप्स बनाओ। देखो मैंने कितने अच्छे स्टिकर्स लाए। चलो तुम्हें यहाँ पर लगाती हूँ जहाँ तुम्हें चोट लगी है। जो भी पसंद हो बताओ। स्कैरी नहीं है, है ना? माँ, कितना कूल है। क्या एक और मिलेगा? अब सिज़र्स उठाओ, बैंडेड को बीच से इस तरह कट करो। अब बैंडेड को फिंगर पर इस तरह लगाओ। अब ये परफेक्टली फिट हो जाएगा फिंगर पर। अमेजिंग, मेरी एंजल सेफ है। कितना अच्छा हैक था ना? ओह नो, बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, चलना है। लड़की को पता है कि क्या पहनना है, लेट हो जाएंगे। रिचमॉम को पता है क्या करना है। यस मैडम, लेटेस्ट कलेक्शन के साथ आ गया। ओके, देखते हैं। ये ट्राई करो। हाँ, नहीं, नहीं, ना ना, बिल्कुल भी नहीं। कितने पुराने लग रहे हैं ना। अब हम क्या करें? मुझे नहीं पता। मुझे ये चाहिए, सबसे नया है। ओ, ये क्या है? मुझे पता है। आपको एक ब्लाउज चाहिए, एक ग्लू गन और गोल्ड स्टिक्स। बस अब छोटे छोटे गोल्डन डॉट्स बनाना स्टार्ट करो। काम करेगा। वाओ, और वाला, अब हमारे पास एक ब्रांड न्यू ब्लाउज है। अमेजिंग ना? ये लो। वाओ, ये मुझे दो, अभी पहनना है। रुको बेटा, अच्छी बात है, मुझे पहले पैसे दे देते हैं। संभल कर। ओ नहीं, लग रहा है गलती से कोका कोला अपने ऊपर गिरा दी। उपसी, मां बहुत नाराज होंगी। ये क्या? उपसी, यिक्स। ओ माय, ओ बेटा, मुझे सही करना होगा। हाँ, सोचो सोचो। हाँ, मेरे पास एक नई टी-शर्ट है तुम्हारे लिए, ट्राई करो। नहीं, मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं पहनूंगी। ओके, हम क्लोज़ेट देखते हैं, ये तो खाली है, और क्या सोच सकते हैं? मुझे पता है, इन्होंने टी शर्ट टेबल पे रखी, अब वो इसके ऊपर बहुत सारे शेपी शेपी चीजें रख रही है। क्या करने वाली है?
अब इसके ऊपर वो स्प्रे कर रही है। वाओ, कितना कूल आइडिया लग रहा है। ये तो बहुत ही अमेजिंग है। बेटी को तो नई टी शर्ट बहुत पसंद आई। यस, मुझे पसंद है। नहीं ब्रिलियंट मामू। वेल डन।